हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में, जिसमें आज भारी गिरावट देखने को मिली और कुछ कंपनियों में तो लोअर सर्किट भी लग गई, जैसे अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी गैस। इन सभी कंपनियों में हमें लोअर सर्किट देखने को मिला, जो कि कुछ और भी कंपनियाँ थी जिसमें ट्रेडिंग भी आज हुई है, लेकिन भारी गिरावट आज हमें ओवरऑल सभी कंपनियों में नज़र आई, अदानी ग्रुप्स की सभी कंपनियों में। जो कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है और एक बहुत ही बड़ा घोटाला हो चुका है, बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसके चलते हमें बाज़ार में भी गिरावट का माहौल नज़र आया फ्रेंड्स। और ये जो घोटाला हुआ है वो बहुत ही बड़ी रकम का घोटाला हुआ है, जिसके चलते हमें अदानी ग्रुप्स की सभी कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो खबर के ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं और आगे किस तरह की मोमेंटम अदानी पावर में नज़र आएंगी उसके बारे में भी चार्ट्स के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स जो खबर निकल के आई है वो आप लोगों के सामने है। हम बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और बताया जा रहा है कि NSDL फ्रीज अकाउंट ऑफ 3 FPI। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसने FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के 3 अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, यानी बंद कर दिया, जो कि उसके पीछे बहुत ही बड़ा आरोप लगा है। जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि इन 3 फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो पोर्टफोलियो है उसने अदानी ग्रुप के सभी कंपनियों में बड़ी मात्रा में पैसा लगाया था पिछले दिनों, जिसके चलते हमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली थी सभी अदानी ग्रुप्स की कंपनियों में। तो इस खबर को हम थोड़ा विस्तार से देखें तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप की इन सभी कंपनियों में बड़ी मात्रा में पैसा इन्फ्यूज़ हुआ था। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, जिसके चलते इन सभी कंपनियों में भारी तेज़ी हमें पिछले दिनों देखने को मिली थी। और ये जो 3 फॉरेन फंड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलबुला इन्वेस्टमेंट्स फंड, क्रेस्टा फंड्स, APMC इन्वेस्टमेंट्स फंड्स, इन तीनों फंड्स ने मिलकर तकरीबन 43,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स किया था अदानी ग्रुप की इन सभी कंपनियों में। और इन लोगों ने इन्फॉर्म भी नहीं किया था, और जो इन्फॉर्म किया था, जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी थी, यानी आधी ही इन्फॉर्मेशन दी थी, वो भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी सिक्योरिटीज़ को, जिसके चलते NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी ने इसके इन तीनों फंड्स के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, यानी ब्लॉक कर दिया है। तो इसके चलते हमें बाज़ार में भी भारी गिरावट देखने को मिली और इन सभी कंपनियों में भारी गिरावट का माहौल नज़र आया और लोअर सर्किट भी लगती हुई नज़र आई। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो डिस्क्लोज़र दिया, जो इन्फॉर्मेशन दी वो अधूरी ही इन्फॉर्मेशन दी थी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी। जो कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा किया था उतना इसने बताया नहीं, उतना इसने इन्फॉर्म नहीं किया, और फाइनली पता चला तो यहाँ पर बड़े घोटाले सामने आए, जिसके चलते बाज़ार में पैनिक का माहौल नज़र आया और गिरावट हमें देखने को मिली है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे ये सब है वो टाइम टेंपरेरी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इन सभी कंपनियों में आपको आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। आप पैनिक होकर एग्जिट कर दोगे फ्रेंड्स तो अभी आप हो सकता है आपको अभी तो एग्जिट ना कर पाए क्योंकि लोअर सर्किट लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इन सभी कंपनियों में फिर से अच्छी तेज़ी आपको देखने को डेफिनेटली नज़र आएंगी। जो कि इन खबर के चलते हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अदानी ग्रुप्स की ओर से सभी क्लेरिफिकेशन आएगा इस मामले के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली हमें कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आएंगी, जिसके चलते हमें फिर से यहाँ कंपनियों के शेयर संभलते हुए हमें नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोअर सर्किट लगी है तो बेचने की जल्दबाजी ना करें। इन फ्यूचर्स यहाँ पे बड़ी तेज़ी तो आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये सब खबरें थी जिसके चलते हमें गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा था। तो आगे किस तरह की मोमेंटम देखने को मिल सकती है उसके ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करते हैं चार्ट्स के ऊपर, तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अदानी पावर का चार्ट मैंने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। अभी तकरीबन 140 रुपये के आसपास लोअर सर्किट देखने को मिल रही है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 132 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट लेवल है और हो सकता है कल आपको 132 के आसपास ट्रेड करता हो अभी अदानी पावर नज़र आ सकता है। अगर 130 के नीचे लुढ़कता है, 132 के नीचे लुढ़कता है तो फिर 110 111 के आसपास भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो फ्रेंड्स आपको इन लेवल को वॉच आउट करना है और यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी में अपनी पोजीशन को एग्जिट करना ज़रूरी मैं नहीं समझता हूँ। जो कि जिन कंपनियों में लोअर सर्किट लगा था, आज अदानी ग्रीन में भी लगा था, लेकिन अभी वो सर्किट ओपन हो चुका है और वहाँ पर ट्रेडिंग भी हो रही है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम भी कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही हाई चांसेस है
है कि कल भी आपको अदानी पावर में ट्रेडिंग होती हुई नज़र आए और 130-132 के आसपास आपको संभलता हुआ अदानी पावर नज़र आ सकता है। तो फ्रेंड्स, जल्दबाजी में अपनी पोजीशन को एग्जिट ना करें, क्योंकि टारगेट ऊपर की तरफ बढ़े ही नज़र आएंगे, जो कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ कुछ ही दिनों पहले नज़र आया था 160 के आसपास, और इसी लेवल के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली और फिर फाइनली आज लोअर सर्किट लग गई। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर नीचे की तरफ लुढ़कता है 110-111 के आसपास, तो भी यहाँ पे आप पोजीशन बना ही सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया सब टाइम परवारी है। आज ही काफ़ी सारी कंपनियों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल चुकी है, अदानी ग्रुप्स की ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में अच्छी खासी तेज़ी भी नज़र आ रही है और अच्छे खासे स्टॉक्स रिकवर भी हुए हैं, जो कि अदानी पावर्स में पिछले दिनों अच्छी खासी अपर सर्किट लगी थी तो बढ़िया यहाँ पे एक अप मूव हुआ था, तो हो सकता है यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सके। लेकिन फ्रेंड्स, डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।